So hey guys, welcome back to my YouTube channel Lifestyle Blogger Dolly and I am Dolly. Hope you all are doing good. तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि हाउ आई रिमूव माई मेकअप. मैंने जस्ट अभी एक वीडियो शूट किया है एंड अभी मुझे इस मेकअप को रिमूव करना है, दैट्स वाई मैं इस वीडियो को शूट कर रही हूँ. तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करना. चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले मैं मेरे इयररिंग्स को निकाल लूँगी. बिंदी को भी तो मैं मेरे बालों को पीछे अच्छे से टाई कर लेती हूँ एंड मैं आपसे मिलती हूँ थोड़े टाइम के बाद. तो इस वेट वाइप से सबसे पहले मैं मेरे फेस को क्लीन कर लूँगी अच्छे से. चीक से ही मैं स्टार्ट करूँगी. ओके, तो मैंने वेट वाइप से अच्छे तरीके से फेस को क्लीन, आईज एंड लिप्स के मेकअप को रिमूव करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ गार्नियर का मेकअप रिमूवर एंड इसी वेट वाइप पे मैं इसको थोड़ा सा लेके एंड अब अपने आँखों के मेकअप को रिमूव करूँगी. अब मैं यूज़ करूँगी फेस टोनर. यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स का ग्रीन टी फेस टोनर एंड इसको मैं अपने फेस पे जस्ट स्प्रे करूँगी एंड अच्छे से मैं इसको पोंछ लूँगी. तो मेकअप रिमूव करने के बाद फेस को वॉश करना बहुत ज़रूरी है. फेस वॉश से आप जो भी यूज़ करते हो आप उसको यूज़ करना. मैं यहाँ पे अभी यूज़ कर रही हूँ मामा अर्थ का उपटन फेस वॉश विथ टर्मरिक एंड सेफ्रॉन. मैंने इसको सेमिटन से परचेस किया था एंड ये एक ट्रायल पैक है, बहुत अच्छा है. पहली बार मैंने इसको यूज़ किया है एंड इसमें जो हमारा स्क्रब होता है उसमें जो यू नो स्क्रबिंग के लिए जो राउंड राउंड होते हैं छोटे छोटे से एक्सफोलिएट जो आपको फेस को जो करता है वो इसमें दिया हुआ है, तो आपको अलग से स्क्रबिंग करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. तो मेकअप रिमूव करने के जस्ट बाद आपको इसको ज़रूर करना है, चाहे कितना भी आप थोड़ा सा मेकअप लगाओ. तो मैं इसको फेस पे हल्के हल्के हाथों से मसाज करूँगी थोड़ी देर, जैसे नॉर्मली आप करते हो फेस मसाज, वैसे ही आपको करना है.
मेकअप रिमूव करने के बाद फेस को वॉश करना बहुत ज़रूरी है। कितना भी आपको लगे कि नहीं यार, मेकअप रिमूवर से तो मेकअप रिमूव कर लिया, वॉश करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। थोड़ा का थोड़ा आपके फेस पे ज़रूर वो रह जाता है, तो इसीलिए फेस वॉश करना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो मैं इसको वॉश करके आती हूँ एंड मैं आपसे मिलती हूँ थोड़े टाइम के बाद। अब मैं इसको टॉवल से ड्राई कर लूँगी। हमेशा डैब डैब मोशन में ही आप अपने फेस को पोछो, कभी भी रगड़ के मत पोछना। चलो अब मैं यूज़ करूँगी मॉइस्चराइजर एंड यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मैं अयूर का कोल्ड हर्बल मॉइस्चराइजर। आप लोग सोचते होंगे कि ये हमेशा इसी का क्यों प्रचार करते रहती है, पर क्या करूँ मैं यार, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये, मेरी स्किन को बहुत अच्छे से सूट करता है, बजट में आ जाता है, अच्छा है तो और क्या चाहिए। एंड इसी को जस्ट मैं अपने फेस पे बजट में अच्छा अगर मॉइस्चराइजर ढूंढ रहे हो तो ये दी बेस्ट है, दी बेस्ट। अब जो लास्ट स्टेप है हमारा वो है लिप बाम। मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ वैसलिन का पेट्रोलियम जेली लिप बाम। लिप बाम तो यार लोग चलते फिरते भी लगा ही लेते हैं एंड जब स्किन केयर प्रोसेस चल रहा होता है तब तो और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सो या ये था मेरा मेकअप रिमूवर वीडियो। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैं फेस पे मेकअप लगाए ही मैं जाके सो जाती हूँ, चाहे मैं थोड़ा सा मेकअप करूँ या ज़्यादा मेकअप करूँ। एंड आप लोग भी ऐसा बिल्कुल भी मत करना, सोचते होगे कि यार चलो ठीक है थोड़ा सा लगाया है कुछ नहीं होगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता, बहुत हार्म करता है हमारे फेस को मेकअप। तो जब भी आप बेड पे सोने जाओ तो हमेशा अपने मेकअप को अच्छे से रिमूव कर लेना, चाहे आपने थोड़ा सा मेकअप किया हो या फिर ज़्यादा किया हो। यही वजह है कि मेरी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, आप देख सकते हो क्लोज। तो चलो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू सो मच, बाय बाय।